ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर 1 है, अ बॉय सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट बर्थ इन द कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन विच इज जस्ट गोइंग टू स्टॉप ऑन द रेलवे स्टेशन ड्रॉप्स एन एप्पल एमिंग एट द ओपन हैंड ऑफ हिज ब्रदर सिटिंग वर्टिकली बिलो हिज हैंड्स। वो कह रहा है जी ट्रेन चल रही है, ट्रेन रुकने वाली है, बस ब्रेक अप्लाई करना शुरू कर दिया, ट्रेन रिटार्ड कर रही है। ऊपर एक भाई बैठा है, नीचे दूसरा भाई बैठा है, उसने क्या सेब गिरना है मुझे पकड़, तो नीचे कैच करने के लिए बैठा है। तो जैसे ही वो एप्पल को गिरता है, क्वेश्चन नंबर 1, क्या वो एप्पल बिल्कुल सीध में गिरेगा हाथ में, क्या वो आगे गिरेगा या पीछे गिरेगा। देखो पॉइंट नंबर 1, अगर ट्रेन रुकी हुई है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, आपने एप्पल को गिरा, एप्पल बिल्कुल सीधे गिरेगा। अच्छा अब ये एग्जांपल दो, अब ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, स्पीड बढ़ा रही है, तो आप अगर खड़े हैं ना, चलो बैठना बड़ी दूर की, आप खड़ जाए आप पीछे गिर सकते हैं, तो आप हैंडल पकड़ लेंगे बस या ट्रेन का ताकि आप पीछे ना गिरे। और ट्रेन जब रुक रही है तो आपको फोर्स कहां लगती है, आगे ट्रेन की डायरेक्शन में, जब वो रिटार्ड कर रही होती है तो आप हैंडल पकड़ के वहीं रुक जाएंगे ताकि आप आगे ना गिरे। ऐसा ही होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, कौन सी फोर्स लग रही है आपके ऊपर, सूडो फोर्स। अगर ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है सूडो फोर्स पीछे, ट्रेन अगर रिटार्ड कर रही है तो सूडो फोर्स आगे, सेम डायरेक्शन में होती है। क्योंकि हमने सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट ये किया था, अगर कोई भी बॉडी एक्सेलरेट करती है तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन पीछे होती है, पर अगर रिटार्ड करती है तो एक ही जगह माइनस से आ जाता है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है फोर्स की, नेगेटिव वेक्टर की वजह से, ये याद रहेगा। अब देखो क्या हुआ, वो बंदा ऊपर बैठा है, एक भाई ऊपर बैठा है, ट्रेन जबरदस्त तरीके से रुक रही है, सोचो तो वो थोड़ा बैठा बैठा आगे हो सकता है, चलो उसने हैंडल पकड़ लिया, नहीं हुआ आगे, बैठा है क्योंकि इसकी डिस्कशन नहीं हुई ना, चलो मैंने हैंडल पकड़ लिया। दूसरा भाई भी बैठा है, ट्रेन बड़ी जबरदस्त एक्सीलरेट रिटार्ड हो रही है, उसने भी हैंडल पकड़ लिया, सेब गिर दिया, सेब ने तो हैंडल नहीं पकड़ा ना भाई, सेब पे तो थोड़ा फोर्स लगे, सेब कहां गिरेगा, ट्रेन की डायरेक्शन में, हाथ में कैसे गिरेगा भाई, उसका कौन सा हैंडल है जिसे लटक के नीचे आ रहा है, तो कहां गिरेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ऑनलाइन क्लियर है, यस सर, यस सर, बी आंसर है डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, राइट, कोई डाउट इसमें। मैं इसलिए ये आंसर दे रहा हूं, दूसरे बैच में स्टूडेंट ने पूछा मुझसे, वो कहता जी ऐसे कैसे हो गया, मैन के ऊपर सूडो फोर्स, भाई के ऊपर सूडो फोर्स, एप्पल के ऊपर सूडो फोर्स, तीनों तो एक जैसे, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन तो है ही नहीं। तो मैंने इसका यही आंसर दिया, वो कौन सा, गिरते गिरते सेब को गिर रहे हैं, या तो हो ना स्लो मोशन में, देखो एक भाई गिर रहा है आगे, एप्पल भी गिर रहा है आगे, और दूसरा भाई भी गिर रहा है आगे, देखो उसकी बात सही थी, तीनों सूडो फोर्स हैं, तो मत पकड़ो ना हैंडल, तीनों गिरते गिरते पकड़ो तो ठीक है, वो सेब को आगे पकड़ेगा, दोनों भाई भी आगे जाएंगे, सेब भी आगे जाएगा, और यहाँ तो एक्चुअल पोजीशन तो फिर शिफ्ट ही हो गया ना, तो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, राइट, क्लियर है। देखो अब मत पकड़ो तो भी, जब वो कैच करेंगे तो यहाँ के कैच करेंगे, ऐसे कर ले, कैच तो करने अपना हाथ तो ऐसे करेंगे सूडो फोर्स की तरफ से, तो आपका सिर्फ ऐसे नहीं गिरेगा, ऐसे गिरेगा। ये भी नहीं लगा कि भाई ने डायरेक्शन चेंज कर ली, ये भी नहीं कहा भाई ने सीट चेंज कर ली थी बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स, तो भाई तो वहीं बैठा है ना, तो इसलिए ये हाइपोथेटिकल केस है, बस वो ये चेक करना चाहता है कि आपको सूडो फोर्स आती है या नहीं आती, ये इसका मोटिव है, ऐसा प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं है यार, ट्रेन रुकती भी है सेब तो हाथ में गिर ही जाता है, ट्रेन इतना सेब इतना भारी होता है और डिस्टेंस कम होता है, तो इतनी भी उसमें डेविएशन होती नहीं है। तो ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक, यस सर, ठीक, बोलो किस पे, ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, वो चेक तो करना चाहता है सूडो फोर्स, लेकिन केस उसने बड़ा अजीब सा बना दिया, पढ़ना जरा केस, क्या आंसर हो सकता है,
देखो इसके अंदर क्या समस्याएं हैं मैं आपको बताता हूं, और वो क्वेश्चन का आंसर दे कैसे रहा है। अ पर्सन सिटिंग इन एन ओपन कार मूविंग एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अप इनटू द एयर। प्रॉब्लम कहां पर है? वो ये बोलता कि पर्सन जो है वो बंद कार में है, प्रॉब्लम नहीं थी। कार अगर बंद है, कार अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, नो सूडो फोर्स, तो बंदा ऊपर फेंकता है तो बॉल को, बॉल पे नो सूडो फोर्स, मैन पे नो सूडो फोर्स, बॉल नीचे आ जाएगी, बात खत्म। आप कहेंगे ऐसे कैसे आएगी, मैं कार में एक्सीलरेट कर रहा था, बॉल गिरी, वो पीछे आनी चाहिए। क्यों आएगी पीछे? जब कार बंद है तो मैं भी सेम वेलोसिटी पे जा रहा हूँ, कार भी सेम वेलोसिटी पे जा रही है, बॉल भी सेम वेलोसिटी पे जा रही है, और अंदर एयर भी सेम वेलोसिटी पे जा रही है, अंदर का एयर भी सेम वेलोसिटी पे जाती है। अच्छा, मतलब मैं जा रहा हूँ दिल्ली, और वो भी बस में बैठ के, बस पहुंच गई दिल्ली और सारे अंदर जो मॉस्किटोज या मक्खी हैं वो आपको ना पीछे शीशे में दिखेंगी। क्यों जी? उन पर सूडो फोर्स लगी थी, वो सारी वहां चिपक गई, मतलब वो नहीं दिल्ली जाएंगी आपके हिसाब से? भाई अंदर की हवा पे तो सूडो फोर्स है, हवा भी तो जा रही है। बंद दरवाजा कर लो, बंद ट्रेन को बिल्कुल बंद कर लो, आपको क्या हवा लगती है जब ट्रेन चल रही होती है बंद में? नहीं लगती, बिल्कुल एकदम हवा रुकी होती है, तो वो जो अंदर का पोर्शन है वो भी सेम वेलोसिटी से जा रहा होता है। तभी तो जब विंडो खोलते हो तभी तो हवा का प्रेशर एकदम चेंज होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये ना सोचें कि हवा तो हवा है, क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं, अंदर बंद है कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है और बंद कमरा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रेस्ट में हैं या कांस्टेंट वेलोसिटी वाले ट्रेन में जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, सेम आंसर है, न्यूटन का लॉ वैलिड है। पर प्रॉब्लम यह है कि यहां पर छत ओपन है। अब छत ओपन में एक दिक्कत है, आप कहोगे जी हवा चल रही थी और वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैंने बॉल को ऊपर फेंका, मैं आगे चला गया, हवा से बॉल पीछे गिर गई, सेम कैसे आ गई? है ना, पहला पहला आंसर, बहुत ऊपर गिरा, चलो मैंने बहुत ऊपर गिरा, नहीं आती मेरी कार तो आगे चली जाएगी, बॉल पीछे रह जाएगी, ठीक। अच्छा चलो ऐसा कर लो, घर जाओ, अपने दोस्त को कहो या अपने पेरेंट्स को कहो, स्कूटर चलाओ जी, मैं पीछे बैठूंगा और मैं बॉल के साथ खेलूंगा। बॉल जब तक छोटी छोटी हाइट पे है तब तक तो हाथ में आती है, वो भी डर लगता है गिर ना जाए, और कहीं आपने पीछे बैठ के 40 किलोमीटर पर आवर पे बॉल को फेंक दिया बहुत ऊपर, और फिर कहोगे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं, मैं तो ऐसे ही खेलूंगा। कैसे खेलोगे? स्कूटर आगे होगा, बॉल पीछे होगी, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? ऑनलाइन समझ में आ रहा है यहां तक? यस सर। इसमें ये अजम्पशन है, एक तो हाइट बहुत ज्यादा नहीं, फिर स्पीड बहुत ज्यादा नहीं, फिर हवा का इसमें कोई इफेक्ट लेना नहीं, तो वो सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि आपको सूडो फोर्स आती है या नहीं आती। तो अगर तो मान लो सूडो फोर्स नहीं लगती क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर तो बोल देना जी हाथ में आ जाएगी बॉल मेरे, बस बात खत्म, तो जहां मर्जी फेंक लो हाथ में ही आएगी। और अगर लगती है फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर तो पीछे गिरेगी गिरेगी। तो ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ज्यादा वो नहीं है कि हाँ यही आंसर है, ऐसा होगा नहीं, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं जो इसने क्लियर नहीं किया। ओपन छत के अंदर ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, बहुत मन में ऐसे विचार आएंगे ये होगा वो होगा, पर एक्चुअल में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बी प्रैक्टिकल, आप मतलब ऐसे ना सोचें कि ऐसा ऐसा ही होता है, नहीं ऐसा ना सोचें, किताब सिर्फ ये चेक करना चाहती है सूडो फोर्स आई या नहीं आई आपको, बस। तो आपने यही बोलना है कि हाथ में आएगी जी हमारे तो बॉल, ठीक है बोलो। इतना लंबा क्यों खींच रहा है मेरे से पूछ? तो ये बॉल स्कूटर पे जा रहा था, स्कूटर की स्पीड है 40, बॉल की स्पीड भी हॉरिजॉन्टल 40, मैंने वर्टिकल फेंका, वर्टिकल 10 के साथ फेंका, तो अब वो क्या होगा, 40 से 40 की स्पीड स्कूटर की ले ली उसने आगे, और 10 क्या ले ली ऊपर जाने की, तो फिर तो एंगल पे फेंकना चाहिए, फिर तो एंगल पे फेंकेंगे क्योंकि पता है कि वो एंगल पे गिरेगी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मुश्किल तरह लगेगी ना। अब देखो मैं फिर कह रहा हूँ, इतने टेक्निकल हो जाओगे फिर यार मत करो क्वेश्चन, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, बाकी जो मर्जी हो जाओ, ये थ्योरी का ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारी कंडीशंस क्लियर नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे किताब में वो सूडो फोर्स से रिलेटेड ही अपने आंसर देगा कि सूडो फोर्स लग रही है तो आगे पीछे होगा, अगर नहीं लग रही भाई कह देना हाथ में वापस आएगी और कुछ नहीं आता हमें, कोई हवा नहीं है हमारी तरफ से, कोई हाइट नहीं है, कुछ नहीं जी, बस मैं ऐसे ऐसे करके बॉल को खिला रहा हूँ, इतना ही बहुत है, ठीक है। तो इसको नहीं डिस्कस कर सकते ज्यादा, इसको कर सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन ओके हैं, एक आध क्वेश्चन ही ऐसा है। चलो देखें क्वेश्चन नंबर 3। थ्री में कहां से टूटेगी रस्सी?
ए भी भाई टेंशन मैक्सिमम कहाँ पर होती है, जहाँ से बंधी होती है, सारा वेट का जो टेंशन तो यहाँ पर होएगी, वैसे पूरी स्ट्रिंग में सेम होएगी, क्योंकि स्ट्रिंग ए भी है, पर अगर नहीं भी हो तो उसको ऊपर से ही टूटना है, ए बी से, नीचे से नहीं टूटने वाली, क्योंकि टेंशन ज़्यादा ऊपर से निकलेगी। मशीन गन वाला प्रॉब्लम हमने किया हुआ ऑलरेडी, गोलियाँ वाला, गोलियाँ चलती हैं, बुलेट्स चलती हैं। अगला प्रॉब्लम ही सेम है, फायरिंग बुलेट्स सेम प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लास्ट टाइम की थी हमने शायद, ये इम्पल्स वाली याद है, स्लोप निकालो, वेलोसिटी स्लोप जीरो, तो चेंज इन मोमेंटम वॉज इम्पल्स। ये थ्योरी बुकलेट का क्वेश्चन है ये, राइट? फिर भी डाउट है पूछ सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन किया था ऑनलाइन, इसमें डाउट है। अच्छा ठीक है। संडे को फोर्स का चैप्टर का टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव तैयारी करके आना, सारे कॉन्सेप्ट सही करके आना, रेपिटेशन में क्वेश्चन होगा नहीं होगा, मिलता जुलता जरूर होगा आपको, नहीं ऑब्जेक्टिव है बस। कितने लोगों को इसका आंसर आ गया? ये क्वेश्चन हमने ना लास्ट टाइम किया था, जब एक बॉडी को स्ट्रेट घेरा जाता है और फोर्स लगती है वाई एक्सिस में, तो बॉडी ऐसे जाती है, उल्टा प्रोजेक्टाइल बोला था मैंने, जब मैंने ये कहा था कि ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, तो 2 kg का मास है और इनिशियल वेलोसिटी 3 m/s है, कहाँ पे? अलोंग ओ ई, तो मान लो ओ और ये ई ईस्ट है, तो इनिशियल ऐसे है, तो इनिशियल अगर ऐसे है तो इनिशियल वर्टिकल में क्या है? जीरो। फिर वर्टिकल में फोर्स कितनी लग रही है? 4 N, तो वर्टिकल में एक्सेलरेशन क्या होगी वाई एक्सिस में? 4/mass, यानी कि 2 m/s². तो बॉडी कैसे जाती थी? ऐसे जाती थी, और हमें क्या निकालनी होती थी? डिस्प्लेसमेंट। लास्ट टाइम बताया था मैंने ऐसे डायग्राम बना के, डिस्प्लेसमेंट निकलेगी वाई और एक्स, यानी कि √x² + y², ये किया था। तो जब मैं एक्स एक्सिस की बात करता हूं, तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है। इक्वेशन s = vt, x इज इक्वल टू वेलोसिटी 3 × टाइम टेकन, कितना इस क्वेश्चन में? 4 x आ गया। और y एक्सिस में इक्वेशन क्या अप्लाई करनी है? y में अप्लाई करनी है y इज 0 + ½ g, g नहीं a, × 4² और एक्सेलरेशन क्या पुट करेंगे यहां पर? 2। तो x आ गया, y आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गई √x² + y², पुट आउट इसमें y इज इक्वल टू 0 + ½ at², क्योंकि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यहां पर क्या है? 0, क्योंकि हमने इसको y में भेजा नहीं था, हमने इसको किस में भेजा था? x में। बताया था ना, क्वेश्चन याद आ रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने लोगों को डाउट है? अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि हमने किया हुआ है? हाँ जी, ऑनलाइन कितने लोगों को लगता है हमने किया हुआ है? इसका आंसर मुझे याद है, ये आंसर है जी, बोलो। 90 आपको लगता है किया हुआ है हमने? कौन से चैप्टर में किया है? नहीं, बोलो ऑनलाइन किया है कि नहीं किया? वेक्टर में किया है। ऑनलाइन याद आ रहा है क्या ये क्वेश्चन किया है? यस सर, किया है। वेक्टर की असाइनमेंट में किया, जिन्होंने अच्छे से किया है। और मैंने वेक्टर में न्यूटन का लॉ सिखाया था, डीपी बाई डीटी। ये कह के कि नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ये वही क्वेश्चन है। इसमें मोमेंटम के दो कॉम्पोनेंट्स गिवन है, तो मोमेंटम वेक्टर क्या होगा? 2 cos t i cap, 2 sin t j cap। और अगर फोर्स वेक्टर निकालना है तो फोर्स वेक्टर क्या होता है? dp by dt। तो आप p वेक्टर को लिखें, इसको डिफरेंशिएट करें cos t की माइनस sin t और sin t की cos t। तो ये क्या आ गया आपके पास? f वेक्टर। तो f वेक्टर आ गया, p वेक्टर है। इनका डॉट प्रोडक्ट चेक करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 cos t sin t, इसको इससे करेंगे 4 sin t cos t। डॉट प्रोडक्ट क्या है? जीरो। आंसर क्या आएगा? 90 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एंगल क्या आता है? 90 ही आता है। ठीक,